पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव योर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने वालों में से नहीं हूँ, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखो, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। तुमने अभी तक मेरे बाजों की ताकत देखी कहां है? हम तैयार हैं जनाब। मेरा उसूल है नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। सनी देओल के बाद अब बारी है बॉबी देओल की। गदर 2 के बाद अब बॉबी देओल भी बनाने जा रहे हैं इस बड़ी हिट फिल्म का सीक्वल। एक समय था जब बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ देओल फैमिली का राज चलता था। वैसे तो देओल फैमिली 17 से बॉलीवुड पर राज कर रही है, पहले धर्मेंद्र और फिर आए सनी देओल, इसके बाद बॉबी देओल, और फिर कुछ साल ऐसे भी थे जहां देओल फैमिली फिल्मों से गायब भी हो गई थी। लोग ये कह रहे थे कि अब बस देओल फैमिली का समय खत्म हो चुका है, लेकिन उन सब लोगों के मुंह पर गदर 2 ने एक जड़कर तमाचा दिया है। गदर 2 का कलेक्शन साफ बता रहा है कि देओल फैमिली के लिए आज भी पूरा भारत दीवाना है। जिस तरीके से गदर 2 फिल्म का कलेक्शन रहा है, उसे देखकर ये लगता है कि उनकी नई फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लोग। सारे इंडियंस भी चाहते हैं कि देओल फैमिली अच्छी फिल्में करे और वो फिर से बॉलीवुड में कमबैक करे। अगर आपको पता नहीं तो आपको बता दें कि सनी देओल की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है। ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, ऐसे में अब उनकी नजर सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल पर टिकी हुई है। हर कोई चाहता है कि बॉबी देओल भी एक ऐसी फिल्म लेकर आए जो बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दे। और बॉबी देओल के पास एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम है सोल्जर। ये फिल्म कौन भूल सकता है, अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये फिल्म एक हिट फिल्म थी जिसमें बॉबी देओल के साथ प्रीति जिंटा भी नजर आई थी। फिल्म की स्टोरी में हमें काफी ट्विस्ट एंड टर्म्स देखने को मिले थे। इस फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मस्तान थे, इससे पहले भी ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। तो सोचिए अगर यही फिल्म का सीक्वल अगर बॉबी देओल लेकर आते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मच सकता है। ये आपका सपना भी पूरा हो सकता है। जिस तरीके से बॉलीवुड के गलियारों के बाद फिल्मों की लिस्ट सामने आई है, इसमें सोल्जर 2 का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोल्जर 2 फिल्म की कहानी लिखी जा रही है। जैसे इस फिल्म की कहानी कंप्लीट होती है, तुरंत ही इस फिल्म का प्रोडक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। बॉबी देओल के साथ कौन लीडिंग लेडी होगी वो भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो आप सोल्जर 2 मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी फिल्म से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मिलूंगा जल्दी किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।